सबसे पहले जानते हैं कि एमआईएस होता है क्या, राइट? एमआईएस का फुल फॉर्म जी होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये कोई सॉफ्टवेयर जी नहीं है या कोई पोस्ट नहीं है, एक डिपार्टमेंट है। जैसे अकाउंट होता है, जैसे एडमिन होता है, जैसे एचआर होता है, ऐसे एमआईएस भी एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होता है। अब एक कंपनी में कई सारे भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेंथ पे, मतलब किसकी साइज पे, कितनी बड़ी कंपनी है। डिपार्टमेंट वाइज भी होता है और सारे डिपार्टमेंट का एक भी होता है। अब एमआईएस करता क्या है? देखिए, एमआईएस का काम है डेटा को एनालाइज करके एक इंफॉर्मेशन तैयार करना। किस तरह का डेटा और किस तरह के एनालाइज और किस तरह की इंफॉर्मेशन, तो एक छोटा सा हम आपको एक रिपोर्ट बता रहे हैं जो भी थोड़ा देर पहले मैंने बनाया है, उसी को ओपन करते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिख रहा है, बेसिकली ये सेल्स एनालिसिस है, ये हमारे सेल्स है और इस सेल्स के बिहाफ पे बना हुआ ये इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं कंपनी का जी ऑनर हूँ, मान लीजिए मैं कंपनी का ऑनर हूँ और मुझे ये रिपोर्ट मिली, तो मुझसे अब मुझे अपने कंपनी के बारे में मुझे सब कुछ मिल पता चल रहा है कि मैंने टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना किया, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी क्वांटिटी सेल की। मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑर्डर आए 1086 और मैंने 765 को सेल किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर हम दे ही नहीं पाए। तो एक फैक्टर यहाँ पता चल रहा है, फिर हमने क्वांटिटी इतना सेल किया, इतना हज़ार का डिस्काउंट दिया, टोटल प्रॉफिट इतना के का हुआ, और क्वांटिटी और ऑर्डर के बीच में 171% का डिफरेंस है। डिस्काउंट रेट हमने 13% दिया हुआ। अब यहाँ पे एक नया चीज आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा डिस्काउंट बहुत कम है, क्या इसका मतलब कि मैं जी 13% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मुझे डिस्काउंट में कुछ करना चाहिए। ये सब काट खोट के मेरा फाइनल सेल जो है 666 है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने ऑर्डर, मेरे पास 1086 हजार, मतलब के मतलब हजार हुआ, 1,86,000, नहीं माफ कीजिएगा, 1,86,000 का ऑर्डर आया और मैंने मात्र किया कितना, 6,66,000 का ऑर्डर पैसा पाया। तो काफी ज्यादा गैप है, तो यहाँ सोच सकता हूँ। उसके बाद मेरे जो कैटेगरीज है प्रोडक्ट के, उनके हिसाब से जो सेल्स है वो यहाँ आ गया। मेरे जोनल है कि यहाँ पे जोन का सेल्स शेयरिंग है। अब मान लीजिए कि मेरा प्रोडक्शन है, अब मान लीजिए कोरोना के समय बहुत लिमिटेड मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसमें सप्लाई का ध्यान रखना था ना, क्योंकि तो जो प्रोडक्ट बन रही है उसके पूरे कंट्री में उसी हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हमें ये पता तो चले कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। पता चला कि हम नॉर्थ को भेज दिए 50% माल, नॉर्थ को भेज दिए, पता चला कि नॉर्थ मेरे मार्केट का मात्र 24% ही शेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि बाकी जगहों पर प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चला है कि सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में कितना परसेंट शेयर है, हमारा मार्केट शेयर है, उसी हिसाब से कर सकते हैं। ईयरली सेल्स हो गया, ये सेल्स की शेयरिंग है हमारे कस्टमर के टाइप वाइज, कि मेरे होम ऑफिस के लिए जो इंडिविजुअल है वो कितना शेयर ले रहे हैं, कॉपरेट कितना कर रहे हैं। इंडिविजुअल हमारा कम ले रहा है, मतलब जैसे नॉर्मल उपभोक्ता जो है, जो नॉन बिजनेस यूज कर रहा है, वो हमें बहुत कम ले रहा है। तो मेरा फोकस इन दोनों पे होना चाहिए, राइट? उसके जी बाद हमारे परसेंटेज का शेयरिंग हो गई, हमारा तो शेयर हो गया, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी पोजीशन क्या है। तो इससे इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम जो है अपना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ऑफिस सप्लाई है 252K का सेल होता है, राइट? 252 क्वांटिटी सेल हो रहा है, तो हम इसका जो ऑर्डर है उसी हिसाब से बनाएंगे ना। जी ऐसा नहीं है कि ज्यादा करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन अगर चल रहा है तो जी प्रोडक्शन या जो हम सब परचेजिंग कर रहे हैं, आगे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमारा ये अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। तो इसी को बोलते हैं एमआईएस। ये तो एक रिपोर्ट की एमआईएस है, ऐसे कई सारे पेजेस की एमआईएस होती है अलग अलग एंगल से। इसको हम लोग केपीआई बोलते हैं, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हम रिपोर्ट्स को बनाते हैं और बना को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा तो एम आई एस समझ में आ गया कि एम आई एस क्या होता है? जी सर।
अब बात करते हैं कि एमआईएस पे काम करने के लिए, मतलब एमआईएस एग्जीक्यूटिव को, एमआईएस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए? सबसे पहले एक्सेल की नॉलेज आनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से, समझ गए? अच्छे तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम मोस्टली रिपोर्ट एक्सेल पे ही बनाएंगे। देखिए इंडिया में एमआईएस के क्षेत्र में 95% का शेयरिंग एक्सेल का है, उससे भी ज्यादा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी कि जो भी रिपोर्ट्स बनती है वो एक्सेल पे ही मोस्टली बनती है, कुछ एक्सेल में शेयरिंग बनती पावर है बी आई और बाकी चीजों का। जी। तो आपके पास एक्सेल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर एक्सेल तक तो सीमित हो जाता है, क्यों? क्योंकि तो आपके पास अगर आ, आ, काम जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया है वहां पे रिपोर्ट सिंपल बनते हैं या सिंपल डैशबोर्ड बनता है, एनालिटिक्स सिंपल एनालाइज होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्सेल से ही काम चला सकते हो। लेकिन आपके पास काफी ज्यादा चीजें आती है तो आपको चाहिए होता है वीवीए माइक्रो। अब वीवीए माइक्रो क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम ऑटोमेशन करते हैं। अब किस तरह की ऑटोमेशन करते हैं, तो इसका भी एक हम उदाहरण आपको देते हैं। एक मिनट दीजिएगा, इसका भी उदाहरण हम आपको देते हैं। ये सब करेंट फाइल होते हैं। ओके अब जैसे मेरे सामने एक फाइल है, देख पा रहे हैं आप? अब इस फाइल में कई जी सारे शीट्स पे डेटा है। मान लीजिए कि मुझे जो डेटा मिला, तो ये तो सीट वाइज है, हो सकता है कि फाइल वाइज हो, मतलब आपको एनालिसिस करनी है, आपको जो रिपोर्ट मिला है, जो डेटा मिला है, वो कई पार्ट में मिला है। अब मुझे यहाँ उसको क्या करना है, कुलेट करना है, एक के नीचे कॉपी पेस्ट, एक के नीचे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ताकि हम इस पे पिवट और बाकी चीजें बना सके। नहीं तो मान लीजिए मुझे पता करना है कि पूजा ने जनवरी में क्या सेल किया है, तो मुझे आठों सीट पे जाके पूजा का डेटा लेके फिर टोटल करना पड़ेगा, जो कि मैनुअल वर्क हो जाती है। अब ये इसी काम के लिए मैंने क्या किया, वीवी की एक माइक्रो लिख गई। अब मैं जाके जस्ट रन करूंगा, यहाँ पे सीधे उठाया और रन मार दिया, और देखे कुछ ही सेकेंड में मेरा काम हो गया। मैं जो काम घंटों का था वो विद इन सेकेंड में हो गया। तो इस तरह की मदद से आप अपने रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जो बार बार करना पड़ रहा है, या ऐसा काम जो लेंदी है जिसको करने में काफी टाइम लगने वाला है, उसको हम माइक्रो के, वीवीए माइक्रो की मदद से एक टूल से डेवलप कर लेते हैं। अब यही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऑटोमेशन ये करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, हम रिपोर्ट्स पे भी अच्छा खासा यूज करते हैं इसका। अब बोलेंगे किस तरह की रिपोर्ट यूज करते हैं, तो ये देखिए लूप प्रोजेक्ट हो गया। हाँ, एक और हम एग्जांपल आपको देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही दिख रहा है सर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना? जी तो एक क्यों हो रहा है, क्योंकि तो हमने इसमें इवेंट किया होगा, समझे? ओके हमने इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग लगाया हुआ है, आप विजुअल बेसिक पे जाके देख सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग दिख रहा होगा, हमने इसके अंदर जी ये प्रोग्रामिंग कोड किया हुआ, यही बोलते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जी लगा दिया। अब ये तो बस एक छोटा सा पार्ट बताया था, अभी इस तरह की चीजें हम अपने डैशबोर्ड पे भी लगा सकते हैं, जी देख पा रहे हैं ना? जी सर ये चीजें हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से करते हैं। तो आपको एक्सेल और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे कोर्स में एक्सेल है, वीवीए है। अब वीवीए करते हैं तो हमें एसक्यूएल की प्रैक्टिस करने के लिए, कनेक्टिविटी की प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेस और सिक्वल की जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों भी हम कोर्स में डाले हुए, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट है, पूरा कंप्लीट बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि तो एमआईएस में जितना चाहिए उतना इसमें कंसीडर होता है। उसके बाद इसमें डैशबोर्ड है, ओके, जो भी मैंने दिखाया है ना आपको थोड़ा देर पहले, जी सेल्स वाला, वो डैशबोर्ड जी कहलाता है। वो अभी मेनली हमारा मेन जो होता है वही होता है, वो डैशबोर्ड करते हैं, और हम दो तीन क्लास जो है, दो से तीन क्लास हम इसमें पावर बीआई का रखते हैं।
ठीक है, पावर बी आई कंप्लीट नहीं है, दो तीन क्लासेज है, और इसी की जो वीडियोज है, इसकी जो कोर्स कंटेन है, मैंने आपको व्हाट्सअप किया हुआ है, आई थिंक आपने देखा होगा। अब ये सब करने पे इस पूरा कोर्स करते हैं माइस पैकेज का, तो 4 से 5 महीने लगने हैं। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेज आपको मिलेगी, और इसकी फीस हमारी पड़ती है 15,000। बैच जो है इंडिविजुअल, मतलब कि जो बैच की साइज आपने देखा होगा मेरे ब्रोशर में लिखा हुआ है कि 1 2 3 होती है। अब 1 2 3 क्यों होती है, देखिए मैं भी इस फीस को 15,000 से हटा के मैं 1500 कर सकता था, और इस बैच को 1 से हटा के मैं 100 कर सकता था। जी देखिए ऐसा ना करने के पीछे रीजन ये है कि 100 लोगों को सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़े या ना पढ़े या समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। दूसरी चीज, जी अब कोई बंदा एचआर से जुड़ता है, कोई अकाउंट से जुड़ता है, कोई किसी और डिपार्टमेंट से जुड़ता है, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग अपना टॉपिक अपना एग्जांपल देना होता है। फिर उनकी ऑफिस की जो प्रॉब्लम होती है, काम करते समय किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उनकी खुद की रिपोर्ट्स होती है, उन पे मेरा सजेशन चाहिए होता है, ये सब चीजें तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना अगर मैं लंबा बैच रखूँ तो। तो जी इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ एक एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस होती है, साथ में इसमें आपको हम रीज्वाइनिंग फ्री देते हैं, रीज्वाइनिंग ओके बिल्कुल फ्री होता है, ओके क्योंकि इतना सारा चीज सिखाऊंगा ये चीज आपको याद नहीं रहेगी जब तक आप इसको कंटिन्यूअस यूज ना करें, लेकिन जब आपको यूज़ ना इसकी यूज करना। आएगी तब मुझे मेरी याद आएगी, उस समय आपके साथ हम सपोर्ट पर रहेंगे। यही नहीं, आपके ऑफिस में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये देखिए थोड़ा देर पहले ही ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये कैसे होगा, मैंने उनका यहाँ सोल्यूशन भेज दिया कि इसके लिए ये चीज लगाओ ले जाओ। तो इस तरह की सोल्यूशन जो है हम देते रहते हैं, ठीक है, ओके तो ये सोल्यूशन जी आप भी ले सर, सकते हैं, क्लियर है। ओके अब बात आती है कि जी सर सर, 4 5 महीने है और फीस है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स लेने के लिए मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। इस एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग के जब ओके आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पे मेरे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। यहाँ स्टोर पे ओके जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज थे, जो कोर्स मैंने 15,000 का बताया सेम कोर्स आपको 4,000 में मिल जाएगा, और साथ में इसमें ईएमआई सिस्टम भी अवेलेबल है, 1,000 की ईएमआई ओके भी ले सकते हैं, ठीक है। और ओके आज रात के 11 बजे तक परचेज करते हैं तो इस पे 50% का डिस्काउंट कूपन भी ऐड है इसमें, ये दिख रहा है जी इस, सर, ठीक है, 50% का डिस्काउंट कूपन भी इसमें है, लेकिन एक रात के 1 बजे, आज के 11 बजे तक ही वैलिड है, कल नहीं मिलेगा ये। ओके ओके तो ये आप ले सकते हैं, इसके अंदर देखिए तो इसके अंदर बहुत सारे मेरे ये मिलेंगे वीडियोज है, आप देख सकते हैं एडवांस एक्सेल का है, एक्सेल वीवी प्रोग्रामिंग का है, इसमें आपको एमएस एक्सेस का है, सिक्वल का है। ओके सर, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हाँ, रहेगा ये ना ये पूरा? अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है, बट वीडियो कुछ पुराने भी है, कुछ नए भी है, और कुछ और वीडियो आएंगे भी, ये अपडेट होते रहता है। इसमें हमने 8 9 एक स्टूडेंट हमने मुझे डिमांड किया कि सर एंड्रॉयड ऐप पे एक्सेल जो है कैसे यूज करेंगे, हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो वो भी मैंने 5 7 8 9 वीडियो इसमें अपलोड कर दिया हुआ है, ये आप ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे, और ठीक है। सर आप जो बोल रहे हैं